इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इस पे थोड़ा अपन बात करते हैं। देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, मैंने जब ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में, तो मैं ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है, एक पॉइंट लिखवाए थे। और कंजर्वेटिव नेचर के बारे में तुमको बताए थे कि कंजर्वेटिव नेचर का ये मतलब है कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, जो वर्क डन किया गया है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय फोर्स अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अभी ध्यान से सुनना, तो ऐसे फोर्स के लिए ना पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करा जाता है। क्या डिफाइन करा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। ठीक, अभी सुन, इसके लिए कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने जा रहे हैं अपन। तो ध्यान से सुना होगा, अगर पढ़ा होगा जो कल हम लिंक भेजे थे पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें देखा होगा कंजर्वेटिव फोर्स तीन तरह का होता है। पहला होता है कि अगर कोई फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स है तब वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर कोई फोर्स एफ ऑफ एक्स आई कैप, एफ ऑफ वाई जे कैप और एफ ऑफ जेड के कैप जैसा हो तब वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और तीसरा कौन सा था बोल? नहीं पढ़ा है, खैर उससे कोई लेना देना भी नहीं है। देख, अगर कोई फोर्स इस तरह का है ना, एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप प्लस एफ ऑफ जेड के कैप, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब ऐसे फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं होता, तो ऐसा फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। और इस तरह के फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। आ रही है बात समझ में बाबू? और इस तरह के फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, ध्यान से समझना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू। ये डी यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल, ऐसा होता है। आप वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़े तो आपको नहीं पता। जो नहीं पढ़ा है प्लीज वर्क डन या वर्क पावर एनर्जी पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें घुसेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ऐसा होता है किसके लिए? केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अपन इसी से आगे बढ़ने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? तो देख कैसे अपन डिफाइन करने वाले हैं बेटा। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2। शुरुआत में मान ले बेटा ये R1 दूरी पे है। कितने पे है बेटा? R1 दूरी पे है इनिशियली। और किसी और टाइम पे फाइनली ये हो गया है R2 दूरी पे। इनिशियली ये R1 दूरी पे था, ऐसे मान ले, और फाइनली हो गया है ये R2 दूरी पे Q2। ये दो Q2 चार्ज है क्या? एक ही Q2 चार्ज है। इनिशियली यहां पे था और फाइनली यहां पे चला गया। आ रही बात समझ में? अब देख बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं इसी को लिखते हैं अपन। DU बराबर या फिर माइनस DU बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फॉर्मूला होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जो कि वर्क डन में या वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना है अपने को। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं कैसे लिखूंगा? कुछ इस तरीके से। डिफरेंशिएट किए कि इंटीग्रेट किए? इंटीग्रेट किए। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? माइनस डेल्टा यू बड़े टर्म में। ठीक, अब देख, इंटीग्रेशन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यहाँ पे कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी आर दूरी पे अगर मैं बात करता हूँ, तो बताना कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा ना बाबू? ठीक, अगर मान लो कि dr से अपन चेंज करें, किसे चेंज कर रहे हैं?
ds, तो ऐसे ही लिखेंगे ना। R से अगर अपन dr पे ले जा रहे हैं, कहां से कहां पे लेके जा रहे हैं, R से dr, तो यही चेंज लेके जाओगे ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अभी देखो माइनस ये डेल्टा u का क्या मतलब है रे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ऐसा। चल अभी देख इंटीग्रेशन के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डी आर, आर इनिशियल से आर फाइनल, ऐसे लिखेंगे बेटा। अच्छा आगे बताना, इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या लिखेगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल q1 हो जाएगा, r इनिशियल r1, r1 इज द r इनिशियल बेसिकली, q1 q2 तो ये तो चार्ज हो गया ना बेटा, ये तो चार्ज हो गया q1 q2। यहां से लेंगे वो मतलब q1 से लेके q2 तक का ले रहे हैं ना, दूरी है देखिए, चार एक Q1 है दूसरा Q2 है, इन दोनों के बीच में दूरी R1 था शुरुआत में, बाद में कितना हो गया R2, तो हम लोग को लिमिट दूरी का लेना है, चार्ज के चार्ज तो फिक्स मैग्नीट्यूड का है, इन दोनों के बीच में दूरी शुरुआत में कितना था R1 था, बाद में कितना हो गया R2 हो गया, तो ये लिमिट हम किसका ले रहे हैं, R का ले रहे हैं, चार्ज का नहीं ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं लिमिट, दूरी का। dr इज द वेरिएबल हियर, नॉट चार्ज वेरिएबल नहीं है, कौन वेरिएबल है, दूरी, तो आर का वेरिएबल ले रहे हैं। अरे बात समझ में, चल ध्यान से सुन, कौन कौन कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट बाहर निकाल, के कांस्टेंट है, क्यू वन क्यू टू कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है रे, दूरी चेंज हो रहा है ना, ठीक, तो वो तो अंदर ही रह जाएगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर आर इनिशियल से आर फाइनल, क्या तो इसको इंटीग्रेट कर सकता है, क्या आर स्क्वायर ऊपर जाके आर का पावर माइनस टू हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, आर का पावर माइनस टू, मतलब आर का पावर माइनस वन बाई माइनस वन होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा बता, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के क्यू वन क्यू टू आर का पावर माइनस वन बाई माइनस वन, मतलब माइनस आर का, ऐसा देख होगा, माइनस अगर पहले ही बाहर निकाले तो कोई दिक्कत, आर इनिशियल से कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। चल अब देख, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस निकाल के रख दे तो क्या दिखाई दे रहा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस इधर लेके आ गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे लिख दे के क्यू इनिशियल, मतलब क्यू वन क्यू टू वन बाई आर फाइनल माइनस वन बाई आर इनिशियल, क्या बात है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के क्यू वन क्यू टू बाई आर फाइनल माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, बहुत सुंदर, एकदम सही। अब सुन, याद कर, अगर तुम लोग ग्रेविटेशन मेरे से ही पढ़ा था ना, ग्रेविटेशन तो नहीं पढ़ा था, उसके बाद एडमिशन लिया है क्या तुम, ओके खैर नहीं भी पढ़ा होगा तो तुमको एक चीज़ हम एहसास करा सकते हैं, तो ग्रेविटेशन कुछ नहीं पढ़ाया मेरे से, बाद में वो एक्स्ट्रा क्लासेस में तो लॉज ऑफ मोशन ना ले रहे, तो कहाँ से पढ़ना शुरू किया मेरे को याद करा तो, उसके बाद फिर कौन सा टॉपिक पढ़ा था, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा था, पता नहीं मेरे को लग रहा है तेरे को ग्रेविटेशन पढ़ा है, खैर ठीक है, फिर भी देख याद कर, जब भी अपन पोटेंशियल, तू पढ़ा है ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ते हैं बेटा, तो मान ले कि ये जो इंक है इसका मान ले ग्रेविटेशन और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, लेकिन इसका तू एम जी एच कब लिख पाएगा, जब तू जमीन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा है, तब एम जी एच, एच तू कहाँ से मेजर करेगा, इट इज इंपॉर्टेंट कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना कि एच कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ का एच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानता हूँ तभी मैं यहाँ से एच मेजर करूँगा ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लिखना है तो एच कहाँ से मेजर करे सर, अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूंगा तो मैं यहाँ से एच मेजर करूंगा, अगर मैं जमीन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानता हूँ तो वहाँ से एम जी एच मेजर करूंगा,
आ रही है बात समझ में? इसका मतलब जब भी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना होता है तो कोई ना कोई एक पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो मानना पड़ता है, मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है? तो हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देना होता है तो कोई ना कोई एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ता है, तब किसी और पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देना होता है। आ रही है बात समझ में? अगर ये बात नहीं भी पढ़े होगे तो आज के बाद याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ता है, तब आप किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? क्या रटोगे कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ता है। लिखो ये बात और ये जीवन भर याद रहना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ता है। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ता है, ठीक है? आइए देखिए यहां पे बेटा, आओ। तो यहां भी अपन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने जा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ेगा, तभी ना हम किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे। तो कहां पे पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना। इफ आर इनिशियल को अगर मैं इन्फिनिटी मान लूं, आर इनिशियल को मैं क्या मान लूं बेटा, इन्फिनिटी, तो उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं मान लूंगा जीरो। क्या मान लूंगा? आर इनिशियल को इन्फिनिटी रखा, क्या जीरो आ जाएगा पूरा? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। तो फिर आर फाइनल को किसी भी, तो आर फाइनल को किसी भी समथिंग आर मान लेते हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कोई भी जनरल टर्म यू मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देख, जैसे तुम आर इनिशियल को कोई भी जनरल, आर इनिशियल को क्या मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया, तो वहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को तुमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो यहाँ पे इन्फिनिटी जैसे रखा, यहाँ पे जीरो हो गया बेटा। तो कोई भी जनरल आर पे तूने यू मान लिया, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, यू बराबर बोल के क्यू वन क्यू टू बाई आर। दिखाई दे रहा है? आर बराबर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तूने कितना माना, जीरो। तब किसी भी आर पे पोटेंशियल एनर्जी तूने कितना, फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई। अब सुन मेरी तरह देख, दो चार्ज के बीच अगर क्यू वन क्यू टू दो चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी आर है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई। ये फॉर्मूला तभी होगा जब दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो माना है। कब? जब दोनों इन्फिनिटी पे रखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी मैंने माना है जीरो। कितना माना है? आ रही बात समझ में? मैं फिर से रटवाऊंगा इतना उतार पहले। अच्छा इसका एक मतलब डेफिनेशन भी है, मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले इतना उतारो इसको। इसको R1 R2 मत ही माना, R इनिशियल R फाइनल ही लिख लेना। R से dr पे बात हो रही है।
तनवीर अगर तुम बुक नहीं ले रहे हो तो ये बुक है ना अभी, डेली इसका फोटो खींच करके लेके जाया करो और आके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। व्हाट, ये बुक मत खरीदो तुम एच सी वर्मा लो। हाँ ठीक है ना, सब लोग हो तो एक ही बुक क्यों खरीद रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक खरीदो ताकि इंटरचेंज करके सवाल बनाओ। हो गया, आओ रटना क्या है, याद क्या रखना है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखा ही दिए। याद क्या रखना है बेटा, ध्यान से सुन, याद ऐसे रखना है कि अगर कोई दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, अगर r दूरी पे है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 upon r। ध्यान से सुनना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो Q1 Q2 होता है उसको साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कूलम्स लॉ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड रखते थे, याद है ना, साइन के साथ नहीं रखते, लेकिन इसमें कैसे रखते हैं बेटा, साइन के साथ रखते हैं। आ रही बात समझ में, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे लिख के आप ऐसे घेरा कर लें, मेन बात यही है। कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ समझते हैं, सवालों में आपको कैसे उलझाया जाएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट इसके गहराई में उतरते हैं अपन। आओ तनवीर देखो, थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसके। एक्चुअली है क्या सर, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा एहसास तो है क्या ये, देख समझना, थोड़ा एहसास करते हैं ना, किताबों में डेफिनेशन कुछ और तरीके से लिखा रहता है, थोड़ा उसको एहसास कराते हैं। देख बेटा है क्या ये, जैसे मान ले कि तूने एक चार्ज लाया यहाँ पे प्लस Q1, पकड़ा Q1 रख दिया, तेरे को कोई मेहनत लगा क्या, तेरे को यहाँ पकड़ के Q1 यहाँ रखने में कोई डिस्टर्ब करा क्या? मान ले कि इस दुनिया में कोई और नहीं है, केवल तू है और एक Q1 चार्ज है, तू लाया रख दिया, तेरे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, रख दिया, कोई कार्य नहीं किया तूने, मस्त रख दिया। अब एक Q1 है और तू है, अब तू Q2 चार्ज को लाने वाला है, किसको लाने वाला है बेटा, Q2। अब तू जब Q2 लाएगा तो ये Q1 को अच्छा लगेगा या दुख होगा, दुख होगा, क्योंकि अब तेरे और Q1 के बीच में Q2 भी आ रहा है। तो अब जैसे तो Q2 ला रहा है, ये Q1 पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, पर तू Q2 को लाना चाहता है, लाना चाहता है ना, ध्यान से सुनना, तू Q2 को आसमान से उठा करके ला रहा है, जैसे ही तू यहां पे लाया Q2 को, ये Q2 पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है बेटा, तू Q2 को स्लोली खींच के ला रहा है, तू बहुत फास्ट नहीं ला रहा, कैसे ला रहा है, स्लोली का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो है उसका, क्या जीरो है बेटा, एक्सेलरेशन जीरो है, कहने का क्या मतलब है, तू कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहा है, क्या ला रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहा है।
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से लाने का क्या मतलब है, स्लोली स्लोली से लाने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन ये लगा रहा है ना तो उतना ही फोर्स लगा रहा है इधर। yes, sir, sir. क्या बात समझ में आ रही है? yes. तू कौन है रे? तू एक्सटर्नल एजेंट है। तू कौन है? एक्सटर्नल एजेंट। अगर तू स्लोली स्लोली लेकर आ रहा है बेटा, तू कैसे लेके आ रहा है? स्लोली स्क्वायर का क्या मतलब है? स्लोली स्लोली, ठीक। एक्सलेरेशन जीरो है, मतलब एफ एक्सटर्नल क्या है, इसका क्या मतलब हुआ रे? एफ एक्सटर्नल बराबर, अरे एफ एक्सटर्नल बराबर फोर्स ऑफ रिपल्सन। अरे बात समझ में, ठीक। तो अब जैसे ही तू Q1 के रहते हुए Q2 को तू लेके आ रहा है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, लेकिन तू फोर्स ऑफ एक्सटर्नल लगा खींच के ला रहा है। तो तू फोर्स लगा रहा है ना बेटा, तो तू कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तू कर रहा है कार्य, तू कार्य कर रहा है तो तेरे को मेहनत लग रहा है ना, तेरे को क्या लग रहा है? तू कार्य कर रहा है, तेरा एनर्जी खर्चा हो रहा है, तू थक रहा है। तो जो तू थक रहा है, तेरा एनर्जी कम हो रहा है, वो तेरा एनर्जी जा कहां रहा है? तो इस सिस्टम में जा करके एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वही एनर्जी जाकर स्टोर हो करके पोटेंशियल एनर्जी बन जा रहा है। आ रही है बात समझ में? मतलब ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी और कुछ नहीं है, वह एनर्जी है जो तू खर्चा कर रहा है इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज यूज्ड टू फॉर्म द सिस्टम, विच इज यूज्ड टू फॉर्म द सिस्टम। आ रही है बात समझ में? अब सुनना किताबों में कैसे डेफिनेशन लिखा रहता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, लिखना नहीं है अभी, सुन। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट वेरी स्लोली। आ रही है बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई तकलीफ? लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को, किताबी भाषा में इसको लिखा रहता है तो अपन लिख लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मतलब किताब में अलग लिख दिया है। वही सब बात है, एहसास करने के लिए लिख लो इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज, ब्रैकेट में यू से डिनोट करते हैं इसको। It is defined as the amount of work done required to bring a charge very slowly, ब्रैकेट में लिखना स्लोली का मतलब, स्लोली ब्रैकेट में लिखना, ए बराबर जीरो, अबे ए स्मॉल ए बराबर जीरो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट और वाइस वर्सा। बता रहे हैं क्या है इसका मतलब, और वाइस वर्सा near any other charge। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है ना कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं या यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, एक ही बात है। इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक लाने में जो कार्य हो रहा है या यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने में जो कार्य हो रहा है, एक ही बात। अरे बात समझ में? जिसका फाइनल फॉर्मूला यही आता है, ठीक है बेटा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, ध्यान से सुनना। देखिए इन दोनों का वैल्यू सेम होगा ये पता चल रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स का वैल्यू दोनों का सेम होगा। ध्यान से सुनना, जितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स करेगा उतना ही वर्क डन
फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से सुनना, ये खींच करके जो एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट खींच करके ला रहा है, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बेटा। तो कौन पॉजिटिव वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है और ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही वर्क कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर, देखिए यहां पे आयुष, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है, लेकिन बस साइन का अंतर होता है। वो कितना होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रे, बस यहां पे माइनस लगा दो। अब देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको कंपेयर कर तो इतना ही होता है बेटा, पॉजिटिव हो गया। अब इसको छिपा दे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस उधर चला गया तो नेगेटिव आ गया अपने आप, तो एक इक्वेशन में सब दिखाई दे जाता है। अब सुन, और जनरलाइज कर दें, यू लगा दे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर इतना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर इतना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इतना, द बेस्ट इक्वेशन। इसमें उलझा देता है कई बार, तुमको फॉर्मूला पता है, कई बार सवाल में पूछ देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब प्लस माइनस में ना ऑप्शन गलती लगवा देगा तुमसे, और हम कई बार गलती किए थे अपने टाइम में। तो ये वाला इक्वेशन याद रखोगे ना तो कभी जीवन में गलती नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, U बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर वर्क माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कभी कभी इसी को कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल देता, तो भुला मत जाना, इसे क्या बोल देता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, सिंपल, याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना। और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दिख रहा है ना। अभी जाना नहीं आज, 8:30 बजे का, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हो गया बेटा। तो एक एक फीलिंग ये भी यह रखना है कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, यह वह एनर्जी है जो हमने खर्च किया है इस सिस्टम को बनाने के लिए, ध्यान में रहेगा ये बात बेटा। आइए अब सवालों पे आते हैं फटाफट, सवाल बहुत टफ टफ कराएंगे मजेदार तरीके से, कहीं देखे नहीं होंगे ऐसा सवाल होगा आज। इसका यूनिट लिखवाने की जरूरत है क्या मेरे को? क्या होगा यूनिट बोल तो आयुष, इतना मारेंगे ना। क्या होगा यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कूलम, जूल, बैट, इसे कूलम कूलम में देखेगा, जूल और क्या क्या होगा, जूल क्या होगा, जूल, सिंपल। सवाल करते हैं, देखो अभी जो तीन ऐसे लिखवाया इतना लंबा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बाबू, बहुत जगह उससे पे गलती कराता है, सबको जानते हुए भी गलती कराता है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ अपन।
एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछना, अगर आज करें तो कल का भी पूछ लेना। हेलो, धीरे धीरे बात करो, रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ। ये मेहता सर अभी होंगे क्या? कब कब खुलेगा? कितना बजे, मतलब कितना बजे तक अभी? कल रहेंगे ना 8 बजे? ठीक, कल चलते हैं। अच्छा देख बता बेटा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, बता यहाँ पे। थोड़ा सा क्या करें, चल बता इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? बता ऐसे कैसे सोचना चाहिए? अगर सेम तरह का चार्ज हो तब कैसे सोचना चाहिए, मैं पहले वो सिखाता हूँ। ऐसे सोचना चाहिए जैसे ये सवाल है, या फिर समय है ना तुम्हारे पास आज? ठीक है चल बता इन दोनों के बीच का कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? बोल के क्यू स्क्वायर एल। इन दोनों के बीच का के, हाँ खत्म। इन दोनों के बीच का नहीं होगा, अरे हर दो के बीच का होगा। ठीक बोल के क्यू स्क्वायर बाई रूट ट्वेल्व। अगर एल है, एल है तो ये कितना होगा बेटा? रूट ट्वेल्व, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है चल आगे बोलेगा क्वेश्चन नंबर टू। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है बेटा? क्यू है, क्यू है, क्यू है, एल है, एल है, एल है। बोल हाँ के, हाँ एल, इन दोनों के बीच का हो गया। वैसे ही इन दोनों के बीच का, वैसे इन दोनों के बीच का तो सीधा 3 times कर दे, खत्म। बोल पहले इन दोनों का निकाल दे बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी एल हो गया। वैसे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, 4 गुना हो गया। अब इन दोनों का होगा 2k q² / √2l प्लस कितना? बोल 2k q² / √2l। तनवीर समझ रहा है? टू क्यों लगाया बेटा? क्योंकि दो बार ऐसा ऐसा है, समझ रहा है? वेरी गुड। एक चीज़ तुम्हें बता दे, कहीं तुम मिस ना कर जाओ, इसमें कितना टर्म आया? इसमें कितना टर्म आया? इसमें कितना टर्म आया? 6। कहीं छूट ना जाए, कैसे पता चलेगा सर? एक फॉर्मूला से, ये याद रखना होगा तुमको। NC2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है क्या?
नहीं पढ़ा है। ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स एन एन माइनस वन बाई टू होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? एन एन माइनस टू। देख यहाँ पे कितना है टोटल नंबर ऑफ चार्जेज, वेयर एन इज द नंबर ऑफ चार्जेज, वेयर एन इज द नंबर ऑफ चार्जेज। पहला क्वेश्चन में नंबर ऑफ चार्जेज कितना है? पुट कर, तीन पुट कर, तीन तीन माइनस एक दो हो गया, दो बाई दो कितना आंसर आया? तीन, तीन आया, तीन नंबर ऑफ टर्म्स तीन, इसमें भी तीन, इसमें चार था, पुट कर चार इंटू तीन डिवाइडेड बाई दो छः आया। अगर छूट जाएगा तो अपने आप दिख जाएगा कुछ ना कुछ, आ रही बात समझ? अगर मान ली बेटा पांच नंबर ऑफ चार्ज रहता तो कितना आंसर आता बोल, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए था? अगर पांच रहता चार्ज तो यहाँ पांच पुट करता, पांच गुना चार बीस, बीस बटा दो दस, तो दस टर्म आना चाहिए। अगर तुम्हारा कुछ छूट रहा है तो तुमको ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। बात समझ में आई? इतना उतारिए। हाँ समझ में आ रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला है ये चेक करने के लिए कि तुम्हारा कोई टर्म छूट तो नहीं रहा है। हो गया, एक तगड़ा सवाल करते हैं अपन, दिमाग हिला देने वाला। देख तो रे बाबू, पहले दिमाग हिलाते हैं उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। एक सवाल है, क्या बना रही है? क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे क्यू क्यू, बताओ तो नेट पोटेंशियल एनर्जी। पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, टर्म्स होता है एन एन माइनस वन बाई टू ना। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है बेटा? आठ। कितना है? आठ, आठ माइनस वन सात बाई टू कितना हुआ रे? फोर इंटू सेवन अट्ठाईस।
28 टर्म्स लिखना है और सबका दूरी कुछ कुछ अलग अलग है, दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? हर दो के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, पहले इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच। बहुत लंबा नहीं जाएगा, इट मे बी कि कहीं ना कहीं गलती हो जाए। तो ऐसे सवाल को कैसे करा जाए सर? आयुष, ये बात समझ में आ रहा है कि गलती होने का चांस है कि नहीं है? है, बहुत बड़ा चांस है गलती होने का, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जाएगा ये सवाल। तो कहाँ से कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसे सवालों में कुछ ना कुछ तो बुद्धि लगा करके इसको सॉर्ट करने का तरीका आना चाहिए सर। नहीं, इट मे बी कि कोई अगर दिमाग बहुत तेज हो, बहुत बुद्धि तेज हो, तो सर इसको सही किया जा सकता है, पर फिर भी गलती होने का चांस है। तो इसको सॉर्ट कैसे किया जाए? सॉर्ट करने का तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो। आ जाओ, देख कहाँ से सॉर्ट करेंगे। तो जो छोटा सवाल है ना, उसमें से पहले कुछ अपन सॉर्ट करने का तरीका सीखते हैं। और देखो तो बेटा, यहाँ आओ, ये वाला जो सवाल करे थे ना अपन, ट्रायंगल वाला, इसको कैसे सोचेंगे पहले वो सीखते हैं। इसको सोचने का तरीका क्या होता है? इसको सोचने का तरीका ऐसे होता है ना बेटा, जैसे तू सोच, सबसे पहले मैं इस क्यू को लेकर आया। किस क्यू को लेकर आया? पहले वाले को। मेरे को कोई कार्य करना पड़ा क्या? कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो ऐसे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन, कोई कार्य करना मेरे को नहीं पड़ा, चुपचाप लेके आके रख दिए, ठीक। प्लस, अच्छा यहाँ पे कोई कार्य नहीं करना पड़ा तो इसको ऐसे रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। दूसरे वाले चार्ज को लेकर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा ड्यू टू पहला। इसको जब लेकर क्या है तो ये इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया होगा ना, तो कार्य करना पड़ा कि नहीं मेरे को? करना पड़ा। अब प्लस, अब तीसरा वाला को लेकर क्या है? तो तीसरा वाला को जब लेकर के आए तो पहले वाले के कारण कार्य करना पड़ा, पहला वाला रिपेल करा होगा। तो ऐसे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू पहला प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू दूसरा। क्या बात समझ में आ रही है? जब पहले वाले को लेकर क्या है तो मेरे को कोई कार्य नहीं करना पड़े, तब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखे। जब दूसरे वाले को लेकर क्या है तो पहले वाले के कारण कार्य करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए। अब तीसरे वाले को लेकर क्या है तो पहले वाले के कारण भी कार्य करना पड़ा, दूसरे वाले के कारण भी कार्य करना पड़ा। कोई तकलीफ इसमें आयुष, तनवीर, कोई दिक्कत? मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं पहला लेकर के आया, कौन सा लेके आया रे? ये क्यों लेके आया? मेरे को कोई कार्य करना पड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, जीरो। अब दूसरा लेकर, कोई दूसरा लेकर के आया, सेकंड वाला, ये पहला हो गया, अब दूसरा मैं लेकर के आया तो मेरे को कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा ड्यू टू पहला। कोई तकलीफ? अब मैं तीसरा भी लेकर के आया तो तीसरा लेके आया, भाई ये भी रिपेल करा होगा, ये भी रिपेल करा होगा। तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू पहला प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू। क्या कोई तकलीफ? एकदम समझ में आ गया, बढ़िया से। चलिए अब आइए, अब बार बार जीरो जीरो लिखने की कोई जरूरत, ऐसे लिखते चलते। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा ड्यू टू वन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू वन प्लस पोटेंशियल ऑफ तीसरा ड्यू टू दूसरा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, दो से डिवाइड भी कर रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ऐसे दो से डिवाइड कर दिया और सब में अंदर में दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तुमको कोई तकलीफ है क्या इससे? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ? ताकि कुछ आसान फॉर्मूला बना सकूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक यार? चलिए आगे देखिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता था बेटा, दो बार में अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूं, देख। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा ड्यू टू पहला प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा ड्यू टू पहला। वैसे अगेन इसको दो बार लिख दिए ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू पहला प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू पहला प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू दूसरा प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ तीसरा ड्यू टू दूसरा। कोई दिक्कत अभी तक? इसको मिटा रहे हैं ना अभी, तो बाद में इसको फिर से बना देंगे।
चला जा। देख तो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा ड्यू टू पहला। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दूसरा ड्यू टू पहला लिखे या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला ड्यू टू दूसरा लिखे, एक ही ना बात होगा। जितना पहला वाला दूसरा को रिपेल कर रहा होगा, उतना ही दूसरा वाला भी पहला वाला को रिपेल कर रहा होगा। तो जितना पहला वाला कार्य दूसरा वाला के लिए कर रहा होगा, उतना ही दूसरा वाला पहला वाला के लिए भी कार्य कर रहा होगा। एक ही बात है। तो अगर ऐसे लिखे तो कोई तकलीफ है क्या? एक ही बात। वैसे ही ये वाला वैसे ही रहने देते, इसको चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेंज कर देते, ठीक। आइए, इसको देखना ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला ड्यू टू दूसरा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला ड्यू टू तीसरा, दिख रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला ड्यू टू दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला ड्यू टू तीसरा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला पूरा हो गया क्या? देख, पहला का पूरा पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू टू एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू थ्री, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला का कंप्लीट हो गया, टोटल बात हो गई। तो अब इन दोनों को मिला करके मैं लिख सकता हूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहला का टोटल लिख सकते हैं आयुष, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट लिख सकते हैं। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड ड्यू टू थर्ड, देख, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड, लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड। क्या दिखाई दे रहा है सबको? कोई तकलीफ? आगे हाफ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पहला है, मान लो ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। हम अगर एक बार ऐसे घुमा दें तो पहला दूसरे के जगह पे आ गया, दूसरा तीसरे के और तीसरा पहले के, क्या अंतर है तीनों में? तीनों तो एक ही जैसा है, तीनों के बीच में एक ही दूरी है, तीनों का एक ही मैग्नीट्यूड है, तीनों का एक ही नेचर है कि नहीं है? तो तीनों तो एक ही जैसा है, तो इसका जितना टोटल एनर्जी होगा उतना ही तो इसका भी टोटल एनर्जी होगा, उतना ही तो इसका भी टोटल एनर्जी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो तीनों का सेम एनर्जी होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसका जितना एनर्जी होगा उसका इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा? मतलब U1 बराबर U2 बराबर U3, सो वी कैन राइट U1 बराबर U2 बराबर U3, सो वी कैन राइट U2 को भी U1 लिख सकते हैं, U3 को भी U1 लिख सकते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ 3U1, कोई तकलीफ? सो हमारे U बराबर क्या आ गया बेटा? 1/2, मतलब यही आ गया फाइनली। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे आंसर आया 1/2 × 3U1। अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज n होता तो आंसर क्या आता? 1/2 × nU1। कोई तकलीफ? ये किसके लिए आंसर है? फॉर n सिमिलर चार्जेज, फॉर n सिमिलर। कोई तकलीफ? क्या बात समझ में आ रही है? अब सुनना कि ये फॉर्मूला सर सही है कि गलत है, पता नहीं आप क्या क्या कर दिए हैं, दिमाग खराब जैसा। चेक करते ये सही है कि नहीं फॉर्मूला। किस में चेक करना चाहोगे? स्क्वायर में चेक करें क्या? स्क्वायर में आंसर जो आया है चेक करके देख लेते सही है कि नहीं। स्क्वायर वाला क्वेश्चन निकाल कॉपी में, इसको उतार तो पहले बेटा, इसको उतार पहले, चेक कराते हैं फिर सॉल्व करते हैं, पहले इसको उतारना, हमको पता है सही है।
तुम लोग का स्कूल तो नहीं है अभी? कितना बजे सो के उठता है तुम लोग? बाप रे, सीरियसली कितना बजे सोता है तुम? अब तुम 6 बजे उठे, क्या फालतू झूठ बोलता है एकदम। क्या तुम 2 बजे सोता, 6 बजे उठ जाता है? 5 दिन में आजकल मेकअप कर रहे हैं, आंख नहीं दिख रहे थे, रेड़ा जा रहा था कुछ दिन से। हाँ। 2 दिन से भी दिन में सो रहे हैं, सुबह 10 बजे आज सो रहे थे, 12 बजे थे। भाई हम बहुत सो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। मतलब एक नहीं होता है, खुद का बहाना मिल जाता है बीमारी का। मतलब ऐसे ही बेकार का सोने का मन करता है तो हम बोलते हैं अरे अभी बीमार है सोना आराम से। बहुत सो रहे हैं एकदम बेवजह का सो रहे हैं हम। तो दूध भी पीता है? अरे भाई तू तो एकदम आइडियल बच्चा है भाई। तुम भी दूध ले रहा है क्या आजकल? अरे यहाँ टीचर मतलब छोड़ो। पवन शादी में एंजॉय कर रहा है पूरा? अच्छा हो गया क्या तन्वीर? देख तो इसका यही आंसर था ना, 3×KQ²L। ट्रायंगल पे ही चेक कर तो पहले, देख तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए। हाफ थ्री यू वन, मतलब किसी एक का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, केवल एक का टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख। इसका टोटल लिख तो बेटा के, इसका टोटल लिख के क्यू स्क्वायर इसके साथ बाई एल इन टू, इसके साथ लिख दिए और इसके साथ भी उतना ही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। देख तो इतना ही आंसर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, बिल्कुल सही, ट्रायंगल के साथ सही बैठ रहा है। स्क्वायर के साथ चेक कर लेते हैं, स्क्वायर वाला आंसर बोल तो कितना आया था? 4KQ²L टोटल जोड़ के बता आंसर, और 2KQ²√2L जोड़ के बता टोटल कितना आ रहा है? 6KQ²L 3/L चल आजा साथ में कर लेते हैं, आजा आओ कर ले। ऐसे पहले नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से करके बताओ, यहाँ ना नॉर्मल तरीके से कर। 4×KQ²L प्लस 2×KQ²√2L ऐसा था ना बाबू? यही था ना? चल अब इस फॉर्मूला से करते हैं। हाँ चल आजा, ये नॉर्मल तरीके से था, अब इस फॉर्मूला से करते हैं। हाफ इंटू एन मतलब 4×, किसी एक का ना, किसी एक का, इसका निकाल लेते हैं सबके साथ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इसका निकाल पहले, इसके साथ कर, इसके साथ कर, क्या लिखेगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल। अब इसके साथ कर तो 2 times कर दे, अब इसके साथ कर तो के क्यू स्क्वायर बाई √2L। देख तो वही आंसर आ रहा है क्या? 2 से कट गया, कॉमन निकाल देना, क्या क्या निकल रहा है मल्टीप्लाई कर दे अंदर में, तो 4KQ² बाई एल प्लस √2। हाँ हो तो गया 2KQ² बाई, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है।
बैठ रहा है ना, तो क्या अब क्यूब वाला आंसर निकाल सकते हैं अपन, क्यूब वाला कर सकते हैं अब क्यूब, फॉर्मूला सही है कि नहीं है? फॉर्मूला बिल्कुल सही है अपना, अब क्यूब वाला करते हैं। अब क्यूब वाला बहुत आसान बन जाएगा, मतलब उससे आसान बन जाएगा, पर फॉर्मूला अभी भी, मतलब अभी भी वो इतना आसान नहीं है, अभी भी थोड़ा टफ ही है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है यार, मतलब हालत ख़राब हो जाएगा नॉर्मल तरीके से करने में। जब मैं अपने टाइम में पढ़ा था मेरे को बहुत मज़ा आया था ये फार्मूला देख। आओ मेरा साथ दो, बड़ा फिगर बना रहे ताकि सब कुछ दिखाई दे। राज का आखिरी सवाल है ये, अच्छा बता बाबू क्या था फॉर्मूला? 1/2 टोटल नंबर ऑफ चार्ज, 8 है ना, 8 ले लिए, किसी एक का पकड़ ले, इसका पकड़ लेते हैं, इसका सबके साथ निकाल देते हैं, है ना। चल इसका पहले इसके साथ निकाल, या इसका नहीं पकड़ते हैं ना, ऐसा को पकड़ते हैं ना जो थोड़ा सिमेट्रिकल, इसका पकड़ देख, इसका किसके किसके साथ सेम जैसा होगा, इसके साथ सेम दूरी पे है, इसका सेम दूरी पे है, इसका सेम दूरी पे है कि नहीं, देख ध्यान से, सेम दूरी पे, तो तीन गुना कर दे क्या, के क्यू स्क्वायर बाई एल, किसका किसका बात हो गया, देख इसका बात हो गया, इसका बात हो गया, इसका बात हो गया, हो गया कि नहीं। चल अब बता ये वाला देख, ये वाला देख, और ये वाला, इन सब का दूरी एक है, आयुष दिख रहा है क्या? देख फेस डायगोनल है, ये वाला और इस फेस पे, ये सब एक दूरी पे है, तेरे को शायद ही समझ में आ रहा है। आजा आजा हम तेरे को फील कराते हैं। यहाँ वाला चार्ज देख, दिख रहा है सबको, देख यहाँ पे तनवीर, ये कोना दिख रहा है, ये कोना से वो वाला चार्ज फेस पे डायगोनल पे होके जा रहा है, ठीक, फेस डायगोनल जा रहा है, फेस डायगोनल जा रहा है, तीनों है कि नहीं, तो तीन गुना कर दे, बोल कितना बेटा, तीन गुना के क्यू स्क्वायर, कितना दूर पे होगा बता, रूट ट्वेल्व है ना, रूट ट्वेल्व, किसके किसका बात हो गया रे बेटा, और इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, और कितना बचा, केवल एक बचा ये वाला, क्योंकि आठवां तो खुद ये है, छः हो गया ना, एक खुद हो गया सात और एक बचा, तो इसका कितना हो जाएगा बोल, के क्यू स्क्वायर बाई रूट थ्री एल, सीधा अपोजिट वाला हो जाएगा, हो गया, कितना आसान से लिख दिया। सोच ऐसे नॉर्मली लिखने में दिमाग खराब हो जाता, थोड़ा कॉमन ले ले, जो भी लेना है आंसर सीधा सीधा दिख जाएगा, कॉमन ले ले, क्या लेना चाहता है, फोर हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल ले ले, थ्री प्लस थ्री बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट थ्री, ये है जनरलाइजेशन का तरीका, ये सब पूछा जाता है अच्छे सवालों में, ये सब तुम खुद से दिमाग नहीं लगा सकते हो जब तक एक एक्सपर्ट तुमको नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है किसका तारीफ कर रहे हैं हम? दिस इज ऑल अबाउट, थोड़ा प्रैक्टिस करें आप भी, ठीक है, बंद कर दो।